समृद्धि महामार्ग अपघात रोड हिप्नोसिस, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। कल 1 जुलाई 2023 सुबह 1:30 बजे बुलढाणा जिले में सिंखेड़ राजा शहर के पास एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ। समृद्धि महामार्ग जो है उसके ऊपर एक्सीडेंट हुआ। विदर्भ ट्रैवल्स की बस थी, 33 लोग उसमें यात्री थे, उसमें से 25 लोग कोयला बन गए, जल गए जगह पे। ड्राइवर जो बच गया उसका कहना यह है कि बस का टायर फूट गया और उसके वजह से जो है बस वो कोई पोल के ऊपर कोलाइड हो गई और बाद में डीजल की टंकी फूट गई और बस जल गई। पुलिस का यह कहना है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ ये ड्राइवर को नींद लग गई उसके वजह से हुआ होगा। तो प्राथमिक जो हवाल सामने आया है उस पर से ऐसा लगता है कि ड्राइवर को झपकी लग गई, नींद लग गई है। एक्चुअली ये होता है रोड हिप्नोसिस। और रोड हिप्नोसिस और फटिक ड्राइविंग या नींद, इसमें फ़र्क है। नींद लगना और रोड हिप्नोसिस में फ़र्क है। नींद बोले तो नींद लगती है जिसमें बहुत थकान के कारण ड्राइवर सो जाता है चलाते चलाते, और दूसरा है रोड हिप्नोसिस। रोड हिप्नोसिस में होता क्या है? रोड हिप्नोसिस में ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है तो क्या होता है कि रोड पे ना बम्पर्स रहते हैं, ना स्पीड ब्रेकर रहते हैं, ना सिग्नल्स रहते हैं, ना कोई एडवर्टाइजमेंट्स है, ना कोई ढाबे है, कुछ नहीं है। बड़ा रोड है, वो स्पीड दनान चल रही है, 120 किलोमीटर उसकी स्पीड लिमिट है ये समृद्धि महामार्ग की, और उसमें झूं 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 ऐसा कुछ तो भी एक तरीके का कंटिन्यूसली एक मोनोटोनस आवाज़ आता है। ड्राइवर चला रहा है बस कंटिन्यूस का, सामने वाइट पट्टे है रोड के ऊपर के, कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो वो बहुत बड़ा ब्रॉड है 6 लेन का, तो उधर से वो भी डिस्टर्ब करता नहीं है। और उसमें एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो ट्रांस की अवस्था है, उसमें ना आदमी सोया हुआ है ना जगा रहा है, और उसमें वो 15-20 मिनट का आधे घंटे का टाइम ऐसा हो जाता है कि ड्राइविंग तो कर रहा है मगर वो सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइविंग कर रहा है, ट्रांस स्टेट में ड्राइविंग कर रहा है। ऐसा हो जाता है कि आपको भी ऐसा अनुभव शायद आया होगा, ड्राइवर को ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं रोड पे, आपने देखा कि अगला जो शहर है वो 30 किलोमीटर दूर है, ड्राइविंग चालू है और फटाक से आपको दूसरा बोर्ड दिखता है कि अभी अगला शहर 15 किलोमीटर ही है, तो फिर बीच का 15 किलोमीटर कहाँ चले गए? वो 15 किलोमीटर ट्रांस में चले गए, उसमें मालूम ही नहीं है। मतलब रोड हिप्नोसिस में होता क्या है कि पिछला 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उसने ड्राइविंग कौन सी किया, कितना डिस्टेंस पार किया, क्या किया, उसको कुछ याद नहीं रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि दिमाग एक ऐसे अवस्था में ट्रांस में है कि वो ना सोया हुआ है ना जग रहा है, और इसमें फिर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये समृद्धि महामार्ग जो है इसका पूरा नाम जो है वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ये पार्शियली ओपन हुआ 11 दिसंबर 2022 को। 520 किलोमीटर का जो टप्पा था पहला वाला फर्स्ट फेज, वो ओपन हुआ नागपुर टू शिरडी। हमारे पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। फिर दूसरा टप्पा जो हुआ वो 26 मई 2023 को शिरडी से लेके इगतपुरी तक, उसका भी उद्घाटन हो चुका है अभी। और तीसरा जो फेज है वो इगतपुरी से लेके मुंबई तक, टोटल 701 किलोमीटर का ये पूरा पट्टा है, और ये भारत का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड रोड प्रोजेक्ट है नागपुर मुंबई। पुलिस के अनुसार 11 दिसंबर 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक जो टोटल एक्सीडेंट हुए 358 जो रिकॉर्डेड है, रिपोर्टेड है, उसमें से 98 एक्सीडेंट जो है मतलब 27% 27% वो रोड हिप्नोसिस के कारण हो गए, या चालक को डुलकी लग गई या नींद लग गई। 39 डेथ्स हुई, कल की 25 अलग है, कल तो 25 होलसेल में हुई। 39 डेथ हुई, 143 लोग जो है वो गंभीर जख्मी हो गए, करीब करीब 250 लोग अभी तक जो है वो उनको माइनर इंजरीज हुई, मगर कल जो 8 लोग बच गए और 25 मर गए वो आंकड़ा अलग है, ये मैं पहले के आंकड़े बोल रहा हूँ। तो ये होता क्या है? रोड हिप्नोसिस को भी बोलते हैं व्हाइट लाइन फीवर, व्हाइट लाइन फीवर भी बोलते हैं, और ये चालक जो है, ड्राइवर जो है, उसको ऐसा एक झपका लग जाता है, क्योंकि रोड हिप्नोसिस में हिप्नोटाइज जब होता है तो उसमें चांसेस कम है एक्सीडेंट के, मगर वो रोड वो मतलब वो जो ट्रांस है, वो ट्रांस है, वो नींद में कब चले जाएगा ये मालूम नहीं पड़ता।
ट्रांस में तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है और ऑटोमेटिक मोड पे चले जाता है माइंड आपका, और ऑटोमेशन में चालू है और उसमें कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो स्टेट से मतलब ट्रांस, मतलब पहले जागा हुआ है, ट्रांस है और बाद में नींद है, वो नींद में कब चले जाएंगे ये मालूम नहीं, उसका कोई गणित नहीं है तपासने का, चेक करने का, और उसमें फिर एक्सीडेंट हो सकता है। 55,000 करोड़ रुपये लागत लगा के ये रोड किया हुआ है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, मगर इसमें अभी ना कोई ब्रेक लेने के लिए कोई होटल्स है या ढाबे है, ना कोई सिग्नल्स है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है, कुछ भी नहीं है। तो एक बार गाड़ी चालू हो गई तो ड्राइवर तो बिल्कुल अनकंट्रोल ड्राइविंग करते रहता है, और वो जो मोनोटोनी है कंटिन्यूसली, वो व्हाइट पट्टे जो है वो दिख रहे हैं, सामने कुछ भी नहीं है, चालू है चालू है, उसमें वो एक्सीडेंट होने की संभावना है, क्योंकि आदमी फट से सो जाता है उसमें। अब ये जब आपको टालना है तो क्या करना चाहिए? नंबर एक, बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे होने के बाद थोड़ा सा रुकना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। नंबर दो, बहुत ही नींद आ रही है तो गाड़ी रुका के एक 10 मिनट की नैप लेना चाहिए, नींद लेना चाहिए। नंबर तीन, ड्राइवर के बाजू में कोई तो भी बैठ के कंटिन्यूसली उसके साथ में बातचीत करना चाहिए। नंबर चार, कोई सॉन्ग एक्साइटमेंट वाले सॉन्ग है वो लगाना चाहिए ड्राइवर ने, और वो सुनना चाहिए ताकि वो एक्साइटमेंट में रहे। नंबर पाँच, च्युइंगम खाते हैं, पेपरमिंट च्युइंगम, तंबाकू भी खा सकते हैं, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ टोबैको च्युइंग, मतलब उसकी आदत लग जाती है करके, अदरवाइज लोग तंबाकू सुपारी खाते रहते हैं कंटिन्यूसली, मुँह चालू है तो वो हो सकता है। नंबर छः, पहले दिन रात को जब आप रात को सफ़र करें तो पहले दिन रात को अच्छी नींद होना चाहिए। क्या होता है कि 3-4 दिन यदि आपकी बराबर नींद हुई नहीं है, जो अक्सर होता है, ये जो बसेस के ऊपर ड्राइवर जो रहते हैं ना, वो रात भर बस चलाते हैं, दिन में सोते नहीं है, दिन में बड़े मुश्किल से 1-2 घंटे सो लेते हैं और बाद में फिर चालू, तो ये नहीं होना चाहिए। पहले नाइट को अच्छी नींद होना चाहिए, इसलिए जो संचालक है बस के उन्हें देखना चाहिए कि वही ड्राइवर को भेजना है जिसकी पहले रात को नींद अच्छी हुई है। और नेक्स्ट आइटम है कि भाई ये अवॉइड कर सकते हैं कि रात को 1 से 4 तक सफ़र ही नहीं करना चाहिए। 1 से 4 ये टाइम ऐसा होता है कि उसमें नींद, वो रोड हिप्नोसिस में नींद में कब चले जाएंगे मालूम नहीं, तो वो हो सकता है। तो ये सब यदि आप ये करते हैं तो फ़ायदा हो जाएगा। अभी ऐसा मालूम पड़ा है कि वहीं गवर्नमेंट ने रोड के ऊपर कोई फ्लैग्स लगाए हुए हैं, और वो फ्लैग्स मतलब कलर्स फ्लैग्स है कि वो फ्लैग्स को देख के ड्राइवर का जरा लक्ष्य विचलित हो जाएगा, मतलब जो मोनोटोनी है वो निकल जाएगी, या कोई ऐसे ब्लिंकर या कोई लाइट्स लगाते हैं जो ब्लिंक कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा होगा, या फिर ऐसा कुछ तो भी मतलब ड्राइवर का अटेंशन जो मोनोटोनी है वहाँ से निकल के उसके ऊपर जाएंगा, ऐसा कुछ करना जरूरी है। करते हैं तो ये एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। स्पीड लिमिट नेचुरली उसका एक कारण है, स्पीड लिमिट भी कम होना चाहिए, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो कंट्रोल नहीं होती फिर गाड़ी और उसमें निकल जाता है। फटीग ड्राइविंग जो है वो रोड हिप्नोसिस से अलग है। फटीग ड्राइविंग जो है वो थका हुआ है बिल्कुल, और अभी उसको नींद इतनी आ रही है, उसको बोला कि गाड़ी लेके जा नागपुर से पूना और बिठा दिया उसको। मैं एक बार सफ़र कर रहा था, नागपुर में बैठा और मुझे अकोला ही आना था, नागपुर में 9 बजे बैठा, गाड़ी फुल थी तो ड्राइवर के बाजू में मेरे को बिठा दिया। ड्राइवर को ऐसे पूछा मैंने कि भाई आप कहाँ से गाड़ी लेके आ रहे, दिन भर सोए कि नहीं सोए, क्या हो गया? ड्राइवर बोले नहीं नहीं अभी 2 दिन हो गए, हार्डली मैंने 1-2 घंटे नींद ली होंगी। गाड़ी नागपुर के बाहर निकलने वाली थी, जैसा मैंने ये सुना मैं बोला मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ, मेरे को गाड़ी में बैठना नहीं है, मेरे पैसे गए तो चलता है। क्योंकि जो ड्राइवर पिछले 2 दिन से 1-2 घंटा सोया है, वो ड्राइवर क्या करेगा अभी रोड पे मालूम नहीं है। 50% से ज़्यादा ड्राइवर शराब पीते रहते हैं, और बीच में ढाबे पे रुका के शराब और खाना उनको मुफ्त मिलता है जो ढाबे पे रुकाते हैं, क्योंकि प्रवासी जो रहते हैं, जो यात्री रहते हैं, वो उनका खाना वो ढाबे पे चलता है, वो रेवेन्यू उसको आता है ढाबे वाले को, वो ड्राइवर को मुफ्त में खाना खिलाता है शराब पिलाता है। तो ये सब टाल देंगे तो नेचुरली ये एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।